नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नौसेना किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक होती है। भारतीय नौसेना दुनिया की 10 सबसे ताकतवर नेवीज की सूची में शामिल है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो 4 बार हमसे जंग हार चुका है, उसकी नौसेना का नाम दमदार नेवी के नाम पर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान कितनी भी ऐंठ क्यों ना दिखा ले, 1971 की जंग में भारतीय नौसेना से उसने जो मुंह की खाई थी, उसके बाद उसकी हालत पस्त हो गई। इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, चाहे फिर वो सड़क की बात हो, रेलवे लाइन हो, बांध हो, बिजली हो, विज्ञान हो, या फिर रक्षा संबंधी उपकरण, हथियार या फिर ट्रेनिंग। चीन से वो किसी भी टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है, लेकिन उसे जो मिल रहा है वो पुरानी तकनीक है। आज इस वीडियो में हम तुलना करेंगे भारतीय और पाकिस्तान की नौसेनाओं की ताकत की। तो चलिए पहले जान लेते हैं भारत की नौसैनिक ताकत के बारे में। भारतीय नौसेना दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली नेवी में 7वें नंबर पर आती है। 1612 में स्थापित इस सेना के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति। सेना का मुख्य मकसद है परमाणु युद्ध को रोकना, सी लिफ्ट करना और नौसैनिक युद्ध लड़ना। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जबकि पाकिस्तान के पास 1 भी एयरक्राफ्ट करियर नहीं है। भारतीय नौसेना के पास 75,000 रिजर्व और 67,252 एक्टिव जवान हैं। भारतीय नौसेना के 11 से ज़्यादा बेस हैं, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात में मौजूद हैं। इनका काम है एम्यूनिशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्कोस बेस, एयर स्टेशन, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन और मिसाइल बोट बेस। भारतीय नौसेना के पास 300 एयरक्राफ्ट हैं, 150 जंगी जहाज हैं और सबमरीन्स भी हैं, 4 फ्लीट टैंकर्स हैं, 1 माइन काउंटर मेजर वेसल हैं, 24 कॉर्वेट्स और 15 अटैकिंग सबमरीन्स नौसेना के पास हैं। इसके अलावा 1 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी है, 1 परमाणु ईंधन चलित अटैक सबमरीन है, 14 फ्रिगेट्स हैं, 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है और 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं। इसके अलावा कई छोटे पेट्रोलिंग बोट्स हैं। पाकिस्तानी नौसेना की अब बात अगर करें तो उसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य नेवल वॉरफेयर, मैरीटाइम सिक्योरिटी, तटीय सुरक्षा और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान की नौसेना के पास कुल 54,100 एक्टिव जवान हैं। इसके अलावा 5,000 रिजर्व फोर्स भी उसके पास है। पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में 154 जंगी जहाज और 85 एयरक्राफ्ट हैं। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है। पाकिस्तानी नौसेना के पास 10 फ्रिगेट, 2 डिस्ट्रॉयर्स, 6 कॉर्वेट्स, 5 सबमरीन, 3 मिडगेट सबमरीन, 48 पेट्रोल वेसल, 7 फास्ट अटैक क्राफ्ट, 54 हाई स्पीड बोट्स, 6 ऑक्सिलरीज, 3 माइन काउंटर मेजर वेसल और 2 रिसर्च एंड सर्वे वेसल और 4 सपोर्ट वेसल हैं। तो दोनों ही देशों की ताकत की तुलना करने के बाद अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी छोटी नौसेना के साथ पाकिस्तान किस आधार पर दम भरता है। अगर चीन उसका साथ न दे तो पाकिस्तानी नौसेना इंडियन नेवी के आगे 2 दिन भी नहीं टिक सकती। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं की तुलना पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।